अजय जी, जैसे मैं भी अपने कोचिंग प्रोग्राम्स और सेशंस रन करती हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन जो है बहुत ब्लॉक होती है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं वो पास्ट को लेकर, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पास्ट में जीते रहते हैं। और आपने काफ़ी सारे लोगों को भी सुना होगा, कभी कभी स्पिरिचुअल टीचर्स और ये बताते भी हैं कि योर पास्ट इज क्रिएटिंग योर फ्यूचर करके। बट द ट्रूथ इज, जो सबसे पहला चीज़ लोगों को ये समझना है कि आप रियर व्यू मिरर में देखते हुए गाड़ी हमेशा आगे नहीं चला सकते, थोड़े देर के लिए चला पाएंगे, पूरा नहीं चला पाएंगे। तो सबसे पहला चीज जो है कि आपको पास्ट को छोड़ने के लिए जो फर्स्ट स्टेप लेना है, ये समझना है कि पास्ट इज गॉन, मतलब अपने आप को ये रिमाइंड कराना है डेली, पास्ट इज गॉन एंड प्रेजेंट इज हियर विद मी। सो मेरा पास्ट फ्यूचर को क्रिएट नहीं कर रहा है, वो तभी करेगा जब प्रेजेंट में कुछ नहीं करूंगा। माई प्रेजेंट इज गोइंग टू क्रिएट द फ्यूचर, ये सबसे पहला चीज उनको रिमाइंड कराना है। और उनको चाहे आप एफर्मेशन के थ्रू दें, मंत्रा के थ्रू दें, उनको डेली उठ के ये रिमाइंड कराना है सबसे पहला चीज कि आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर, चाहे पास में कुछ भी हो, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ तो मैं फ्यूचर क्रिएट कर पाऊंगा, राइट? एंड दिस प्रेजेंट मोमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट फॉर मी टू क्रिएट माई फ्यूचर। और इस ये रियलाइजेशन डेली रिवाइंड कराना जरूरी है, वो बैक से कनेक्शन काटने के लिए कि पास्ट में जो भी हो गया, कितना भी बुरा हो, आज अगर हम सही करेंगे ना तो आने वाला फल सही होगा, लाइक एट्रैक्ट्स लाइक। तो आज फिर उठ के क्या करना है कि अपने गोल्स पे काम करना है, अपने जो ड्रीम्स है, अपने जो एस्पिरेशंस है, उस पर काम करना है। जैसे आप सेलिब्रिटी कोच है, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज को आप गाइड करते होंगे, तो जैसे बहुत सारे लोगों को एक चैलेंज आता होगा कि मान लीजिए कभी उनको फिल्म या कोई प्रोजेक्ट मिला, कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने अच्छा किया, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट नहीं मिला या ऑडिशंस के लिए गए, रिजेक्ट हो गए। आदि चाहते तो उन्हें अच्छा प्रोजेक्ट मिले, बट उनको अगर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है, उनके मन में चल रहा है कि मुझे तो रिजेक्शन। तो उनको क्या करना है कि ये जैसे चलता रहेगा ऑन रिजेक्शंस, क्या होते होंगे रिजेक्शंस, राइट? तो रिजेक्शंस अट्रैक्ट होते रहेंगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो उनको क्या करना है, उनको सिलेक्शन पे फोकस करना है, उनको डेली फोकस करना है। और जिंदगी में उन्होंने एक बार भी सिलेक्ट हुए पास्ट में ऑडिशंस नहीं नहीं हुए, तो हर दिन बैठना है, मेडिटेट करना है, विजुअलाइज करना है, और ऐसे देखना है कि मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ, मैं कोई भी ऑडिशन में जा रहा हूँ तो डायरेक्टर, प्रोडक्शन, जितने भी लोग कास्टिंग क्रू है, वो सारे बोले कि दिस इज द पर्सन वी आर लुकिंग फॉर, ही इज और शी इज द बेस्ट। तो उनको ना वो एनर्जी बिल्ड करना है, एंड देन उसके बाद उनको ऑडिशन के लिए जाना है। देखिए, मैं बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को मेंटोर करता हूँ, बॉलीवुड से है, टीवी इंडस्ट्री से है, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, हर वक्त जो जितना भी सक्सेसफुल है उनसे और ज्यादा उनको एस्पिरेशन होता है और बड़ा प्रोजेक्ट मिले और हायर मिले, right. और सबके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फियर भी होता है जब नेक्स्ट लेवल के लिए सोचते हैं। तो कहाँ काम करते हैं, उनको ब्रेक थ्रू क्रिएट करने के लिए माइंड के अंदर, कि ताकि वो अगर ऑडिशंस के लिए जाए या वो स्क्रिप्ट या डायरेक्टर को मिल रहे हैं तो उनके अंदर वो एक वाइब्रेशन हो, उनके अंदर सर्टिनिटी हो, उनको इतना पैशनेट हो कि एक होता है ना कि जैसे स्पेशली एक्टिंग इंडस्ट्री में कह रहे थे, वो एक एक्सपेक्टर है कि कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता व्हाई दे हैव चोजन, वो बोलते हैं कि नहीं, इससे बात कुछ अलग है, right. बात कुछ अलग है, वो कहाँ से आता है, जब आपके अंदर वो सर्टेनिटी होती है, वो एक्साइटमेंट होता है, वो पॉजिटिविटी होता है। तो पास्ट से निकलने के लिए इस प्रेजेंट मोमेंट पे हम इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर दें, इतना पैशनेट हो जाए उस चीज के लिए कि वो मैनिफेस्ट हो के ही रहेगा। फिर वो लोग जैसे ही कोई ऑडिशंस के लिए जाएंगे, कोई प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे, किसी से डिस्कशन के लिए जाएंगे, वो सामने बैठे हुए, यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो वो एक्टर है, यही तो एक्ट्रेस है। और इसी में शायद जैसे शाहरुख खान ने भी अपने इनिशियल टाइम पे ग्रीन रूम के आगे सुपरस्टार लिख दिया था, तो वो अपने आप को फील करता था और उस कन्विक्शन से अपने आप में रहता था, उस एनर्जी में रहता था, शायद यही रीजन था कि उसने उस चीज को मैनिफेस्ट इजिली कर लिया। और बहुत सारे स्टार्स यही सब करते हैं और इसी तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को किया है। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा बताया कि रिजेक्शन को कैसे ऑपोजिट लेके सिलेक्शन को अपने मैनिफेस्टेशन में और ब्रेक थ्रू लेके करना है। इस तरह से आप बहुत ईजिली, ऑफकोर्स सेलेब इंडस्ट्री में स्पेशली, यहाँ पर एस्पिरेशंस बहुत हाई होती है, एक के बाद एक नेक्स्ट स्टेप चाहिए ही होता है, तो वो नेक्स्ट स्टेप को हमें लेना है और आगे उसे ब्रेक थ्रू करके
आगे बढ़ना है। कि मैं ये चाहता हूँ कि सबको ये समझना जरूरी है कि आप जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं, आप जो ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। बस अगर उसमें कोई चैलेंज आ रहा है तो आपको समझना है कि वो चैलेंजेस कहाँ है, कहाँ आपकी बिलीव्स नेगेटिव है, कहाँ आपका एक्शन अलाइन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर वर्क करना है तो सब कुछ पॉसिबल है। आप आगे जाके सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं।